दोस्तों ये वीडियो तो आपने काफी देखी होगी जो फिलहाल में वायरल हो रही है, हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगी बाबा दा ढाबा। एक्चुअली इसकी बात क्या है, सारी डिटेल बताऊंगा इसको भैया कैसे वायरल हुई है, क्या रीजन था, कहां से स्टार्ट हुई। इसकी बात करूं तो भैया कुछ टाइम की बात है, एक जिस पे वीडियो थी जो कि इसकी पोस्ट की गई थी जब इनकी वीडियो शूट करी गई थी, भैया उस टाइम ये काफी मायूस थे, रो रहे थे उस टाइम, क्योंकि इनका सामान नहीं बिक रहा था ढाबे पे, कुछ भी नहीं खरीदने वाला आता था कोई भी खरीदने वाला। फिर क्या हुआ, फिर एक वीडियो बनाई गई इनकी जो वायरल हुई, भाई वायरल होने के बाद एक ऐसा अभियान चला पूरे सोशल मीडिया पर, सोशल मीडिया की पावर सामने आ गई, क्योंकि एक सिंपल से बंदे जो कोई भी नहीं आता था भाई, उनके पास इतनी भीड़ लग चुकी है आज के दिन की बात करें तो, आपको खाने के लिए भी भैया कई सौ बंदों के पीछे खड़ा होना पड़ेगा। जी रियल बता रहा हूं, आप देख सकते हैं काफी ज्यादा बंदे इसके आ रहे हैं, इनके ढाबे पे आ रहे हैं, पहुंच रहे हैं। इसकी कहानी की बात करो तो भैया ये एक 80 साल के दंपत्ति हैं जो कि करीब मालवीय नगर में दिल्ली में रहते हैं, उस लास्ट 30 साल से ये ढाबा चला रहे हैं। इनकी बात करें तो लॉकडाउन से पहले भी इनका काफी काम इतना अच्छा नहीं चलता था, लेकिन लॉकडाउन के बाद तो भैया इनकी कमर ही टूट गई है काम की। कह रहे हैं भाई इनकी ये सुबह 6 बजे उठने के बाद 9 बजे तक खाना तैयार करते थे, और फिर भैया जाके इनके 4-5 घंटे में मुश्किल से 50-60 रुपए की दुकानदारी होती थी, जो कि काफी ना के बराबर थी। तो एक उस वीडियो में ये रोने लग गए। उसके बाद भैया क्या हुआ, एक वीडियो जैसी सोशल मीडिया पर डाली, तुरंत डालते ही वायरल हो गई और हर जगह एक अभियान से स्टार्ट हो गया कि हैशटैग बाबा दा ढाबा, यानी कि बाबा के ढाबा पे अगर आप दिल्ली में कहीं से भी हो तो इनके शॉप पे जाएं, खाना खाएं, इनकी हेल्प करें। तो ऐसे करते करते एक लिंक बन गई और हर कोई हर वीडियो हर जगह शेयर करने लगा। आज के दौर में इसकी बात करूं तो जस्ट 1-2 दिन ही हुए हैं और आज हर न्यूज चैनल पे और हर यूट्यूब पे आपको इनकी वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी, यानी कि इतनी वायरल हो चुकी हैज़ बाबा का ढाबा, हैशटैग बाबा का ढाबा हर जगह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यही स्टोरी है गाइस, इसका मतलब यह है कि भैया वायरल होने वाली बात है कि भैया अगर सोशल मीडिया की पावर यहाँ दिखी है, रियल में टीआरपी इसे बोलते हैं, यानी कि अगर भैया बात करें तो कुछ भी वायरल हो सकता है। न्यूज पे आप देख सकते हैं, इससे पहले कुछ चला था, क्या नाम है उसका, रसोड़े में क्या है चला था, बट उसका कोई मेरे को पता नहीं, लेकिन इसके लिए दिल से खुशी है कि अच्छी चीज वायरल हुई है, कि उन तक हेल्प हुई है और आज वो खुश हैं, उन्हें कोई दुख नहीं है, उन पर अच्छी खासी मतलब बंदे पहुंच रहे हैं, सहायता पहुंच रही है। बड़े बड़े एक्टर सुनील शेट्टी तक ने ट्वीट करके इनकी हेल्प के लिए बोला है, दिल्ली से दिल्ली के बाहर के हर जगह से इन्हें सपोर्ट मिल रहा है, और अच्छा खासा एक सोशल मीडिया ने एक अच्छे वे में अच्छी चीज वायरल करके अच्छी बंदे को कुछ हेल्प हो चाहिए आज फाइनली। तो गाइस ये मैंने इसकी साइड डिटेल बताई आपको कैसे हुई है, फिलहाल में वायरल हुई, जस्ट ट्विटर करी, ट्विटर की पावर और जो सोशल मीडिया पे उसकी पावर सामने आ गई और अच्छी खासी वायरल हो गई। तो गाइस इसके ऊपर मैं डिटेल बनाने की आपकी कोशिश करिए कि इसके ऊपर वीडियो कैसे वायरल हुई है, भैया क्या हुआ और क्या था इनका सीन। अब फिलहाल में इनकी काफी शॉप चल रही है और काफी ज्यादा भीड़ लग रही है, ये मालवीय नगर में थे, 80 साल की इनकी उम्र है। ये इसकी डिटेल थी सारी, मैंने आपको बताने की कोशिश करी, जितनी भी मेरे पे इन्फॉर्मेशन है, सोचा मैंने इसके ऊपर वीडियो बना दूं, आपको भी थोड़ी नॉलेज मिल जाए। तो गाइस इसके ऊपर वीडियो थी, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें, मैं ऐसी इंपॉर्टेंट वायरल वीडियोस लाते रहता हूं आपके लिए और टेक्निकल वीडियोस लाते रहता हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखें चैनल और बेल आइकन को भी दबा के रखें, जैसे कि मैं ऐसे आगे आपके लिए मोटिवेट होकर वीडियोस लाता रहूं। तो मिलते हैं गाइस अनदर ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय।